दोस्तों, जितने भी सलमान खान के फ़ैन हैं सभी के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट है और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं सलमान खान के बारे में जानने के लिए। तो उनके लिए भी सलमान खान के तरफ से उनकी आने वाली फ़िल्म को लेकर एक ख़तरनाक अपडेट निकल कर सामने आई है। खासकर दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान की फ़िल्म राधे जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, लेकिन दोस्तों राधे फिल्म के बाद सलमान खान फटाफट काम करने वाले हैं टाइगर 3 पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो टाइगर जिंदा है फिल्म थी सलमान खान की अब अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्म और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म थी। दोस्तों आपको बता दें कि अब सलमान खान प्लानिंग कर रहे हैं टाइगर 3 के लिए। दोस्तों खबरों की माने तो आपको बता दें कि जो टाइगर 3 फिल्म आने वाली है सलमान खान की, उसकी शूटिंग जो है वो मार्च से स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर पूरे शेड्यूल की बात करें तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक फिल्म की शूटिंग की जाएगी। खास बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो यशराज स्टूडियो से स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि वहीं से ही पूरी की पूरी शूटिंग जो है उसकी स्टार्टिंग की जाएगी। वहीं इस फिल्म के अंदर जैसा कि हम सभी को पता है कैटरीना कैफ होने वाली है, साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं मनीष शर्मा। दोस्तों इस फिल्म की अगर रिलीज डेट की बात करें तो आपको बताते चलें कि इस फिल्म को अगले साल यानी कि 2021 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ किया जाने वाला है। वैसे तो दोस्तों सलमान खान के फैंस के अंदर और सलमान खान भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं टाइगर 3 के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं टाइगर जैसी स्टंट वाली फिल्में, एक्शन वाली फिल्म और कहानी भी ज़बरदस्त रहती है टाइगर फिल्म की, कोई सी भी अगर आप सीरीज़ देख लो तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे आप लोग कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं टाइगर 3 के लिए? शूटिंग जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका क्या है कहना इस बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आपको बॉलीवुड की हर खबर मिले सबसे पहले। धन्यवाद।